आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक छजलैट के गांव खुशालपुर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 25 किलोमीटर तो ब्लॉक से मात्र 4 किलोमीटर है। 3000 वोटों वाले इस गांव की कमान राम सिंह के हाथों में है। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। 4 वर्षों में किस तरह से इन्होंने गांव को सजाया है, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की। जी सर, आपका क्या नाम? क्या मेरा नाम है? राम सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम खुशालपुर, ग्राम पंचायत खुशालपुर, विकास खंड छजलैट, जिला मुरादाबाद। सर, आपके यहाँ कार्यकाल को, प्रधान कार्यकाल को 4 वर्ष हो गए हैं। चार वर्ष में आपने यहाँ क्या क्या कार्य कराया है? 4 वर्ष में साहब मैंने बहुत कार्य कराए हैं। 140 मीटर तो एक नाला बनवाया है, ये बहुत गहरा रहता था, गाँव वालों को बहुत दिक्कत थी। 140 मीटर नाला वो बनवाया है। सड़क संजयपुर में बनवाई है 2, और एक नंगले में बनवाई है, एक कनपुर में बनवाई है, एक मंडियों में बनवाई है, और 2 किशनपुर में बनवा दी हैं। पहले मतलब यहाँ कई मंजिले अटैच हैं पंचायत से? 6 मंजिले अटैच हैं। 6 गांव लगते हैं? जी हाँ, 6 गांव लगते हैं। ग्राम प्रधान बड़ी ग्राम पंचायत है, और भी कामों की सोच रहा हूँ मैं। मंडियों में और सड़क है, गाँव में जाट तो कटे वाला है, जो हमारे गाँव में सड़क बनाए जाए तो वहाँ भी किसान में वहाँ बनवाने कह रहा था। और CDO ने कहा भी पहले स्कूलों का सुधार करो, गांव की सड़क बाद में नहीं, पहले स्कूलों का संस्कार करो। वहाँ स्कूल में टाइल्स बिछवाई हैं, किशनपुर में गेट लगवाया है, दोनों स्कूलों में गेट लगवा दिए हैं, और उसमें समय से मिलकर आकर मोटर डलवा दी है, टैंक रखवा दिया है, और हाथ धोने की टंकी फिट करा दी है दोनों स्कूलों में। पंचायत ODF हो गई आपकी? पंचायत ODF हो गई। कितने 47 ODF हुई है जी? 400 से कुछ हुई है। प्रधानमंत्री आवास बने हैं? प्रधानमंत्री आवास बने हैं साहब। कितने आवास बने हैं? बने हैं 9 आवास बने हैं। मानव पात्र व्यक्ति और भी हैं अभी यहाँ पंचायत में? मानव पात्र व्यक्ति बहुत हैं अभी। मेरा गांव गरीब है, कुछ लोग संजयपुर के और कुछ लोग किशनपुर के और खुशालपुर के ज़्यादा पात्र व्यक्ति हैं। नंगले में और मंडियों में, करणपुर में कम हैं। इन लोगों में, इन गाँव में जाट बिरादरी के लोग हैं, वो कुछ सक्षम हैं, ठीक ठाक हैं। मेरे गांव में ज़्यादा हैं, और किशनपुर में और संजयपुर में। 12 की सूची मैंने दे रखी है आवासों की। 112 आवास, 112 आवास टिकट साहब को दे रखी है। अच्छा, यहाँ से कोई अभी आवास नहीं आया है। यहाँ आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड लोगों के बने हुए हैं? हाँ, कुछ लोगों के बने हुए हैं सर। सम्मान निधि का पैसा यहाँ किसानों खाते में? किसानों खाते में पैसा आने लगा है। कुछ लोगों के पैसे कागज नहीं गए थे, उनके आधार कार्ड, बैंक खाता, ज़मीन की फर्द है। परसों साहब लेखपाल जी यहाँ से मेरे यहाँ से ले गए, जिनके छूट गए थे और उनके पैसे आने लगे हैं, कुछ जो पहले चले गए थे। यहाँ जो सरकार की जो वाहन चलते हैं, जैसे 100 नंबर, 108 नंबर वगैरह, इनकी सुविधा मिलती है? हाँ मिलती है, 108 नंबर की सुविधा भी मिलती है, 100 नंबर की सुविधा मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन ना करो तो बात पूछ। अच्छा, आपके यहाँ गाँव में स्कूल के अलावा सरकार की बिल्डिंग में, सरकारी बिल्डिंग में क्या क्या, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र, अस्पताल, पंचायत घर, बरातघर, ये चीज़ें हैं? आंगनबाड़ी 2 आए थे साहब, 2 बनो बनवा दिए, संजयपुर में बनवा दिया, एक गांव में बनवा दिया, और पंचायत घर कोई नहीं। बारात घर जो हमने लिख के दिया था वो हमारे कोटे से नहीं आया, वो सांसद जी ने बनवा दिया। शमशान घाट? शमशान घाट बन गए साहब, किशनपुर में बनवा दिया, अपने गांव में बनवा दिया, संजयपुर में बनवा दिया, 3 गांव में बनवा दिए, मैंने लिख के दिए थे सर। अच्छा, अपने गाँव को सुंदर बनाने के लिए क्या सरकार से आप प्रमुख मांग रखना चाहते हो? मैं अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए कुछ तो लोगों, गरीब व्यक्तियों को कुछ आवास और मिल जाए, और एक सड़क रह रही है हमारी जो मैं टैल्स के कराने के चक्कर में हूँ, इतना पैसा नहीं आ पा रहा। जो कुछ रोड हमारे हैं 130 मीटर, 130-150 मीटर करीब में RCC पहले पड़ चुकी है, हमारी प्रधानी से पहले पड़ गई है, और जो बाकी सड़कें रही हैं वो मैंने करा दी हैं। 2-4 सड़कें और रही हैं अभी, मैं उनको भी सोचा हूँ कि ये भी सौंदर्यकरण में आ जाओ। और कुछ सर कुछ कहना चाहोगे उसके अलावा? आपने यहाँ प्रधान पद पर हो, यहाँ गांव में जैसे 90 का महीना चल रहा है, मैं सभी ग्रामवासियों को अपनी 90 की शुभकामनाएं देता हूँ। जी मैम, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अखिलेश यादव है, और मैं यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पद पर कार्य करती हूँ, और काफ़ी 15 साल मुझे अपने कार्य को देखते हुए हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो ये टाइल्स वगैरह बिछाई है स्कूल के प्रांगण में जी, तो इसमें क्या कहना चाहोगे आप?
इसमें सर पहले यहाँ बरसात होती थी तो पानी भी भर जाता था, कीचड़ हो जाती थी और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और अब जो है ग्राम प्रधान द्वारा जो है इसमें टाइल्स वगैरह लगाई गई हैं तो काफ़ी सहूलियत हुई है बच्चों के बैठने में भी, और आने जाने में गाड़ियों में दिक्कत आती थी, रपट के गिर जाती थी स्कूटर वगैरह बाइक वगैरह, अब जो है सब कुछ ठीक है। प्रधान जी पूरा समय देते हैं विद्यालय को जब जरूरत होती है? जी बिल्कुल।